सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने SSC CGL परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत देश भर में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 7500 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 3 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन में 7 से 8 मई तक करेक्शन भी कर सकते हैं। वहीं टीयर 1 CBT परीक्षा इसी साल जुलाई में प्रस्तावित होगी। इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो SSC CGL परीक्षा में सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को 25,500 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए हर महीने सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट की बात करें तो कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष और कुछ के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा में OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और ST वर्ग के 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर जो बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। वहीं महिला उम्मीदवार ST, PWD और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिकों ESM उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आवेदकों का चयन टीयर 1 और टीयर 2 परीक्षा के जरिए किया जाएगा। टीयर 1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार टीयर 2 परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए आवेदन कैसे करना है, उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। वहां होम पेज पर दिए गए अप्लाई टैब पर क्लिक करें, जरूरी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें और सबमिट करें। ऐसी और न्यूज को देखने के लिए बने रहिए TP News के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।